हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एक्सपोज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप एवर एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स ऐसा क्या है जो बिल्कुल आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है मे बी आपको पता भी नहीं है बट डेफिनेटली इट इज़ कमिंग इन योर लाइफ सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रोडेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी आज का जो स्केच यहाँ पे मैंने ड्रा किया है बहुत ही ज़्यादा खास है वो है मैपल लीव मैपल लीव का जो भी मैपल ट्री जो होता है वो जनरली एक तरह का लिक्विड उससे मिलता है जिससे जनरली क्या है ना शुगर के जो ऑल्टरनेटिव्स है ठीक है शुगर के जगह पर आप वो यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा होता है खास होता है वो और दिस लीफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके रंग जो है पूरी तरह से ऑरेंज या गोल्डन रेड इस तरह से चेंजेज होते रहते हैं मैपल लीफ जो है पूरी तरह से एक सिम्बॉल भी है बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए एंड इनको देखने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ में जैसे फॉर एग्जांपल जापान कनाडा यहाँ पे लोग जाते भी है स्पेशली उस ट्री को देखने के लिए जब वो रंग बदल देता है मैपल लीफ जो है काफ़ी प्योरिटी का एक सिंबल है जहाँ पे माना जाता है कि स्वर्ग और यहाँ पे जो हमारा जो पृथ्वी है उसके बीचों बीच का जो रास्ता है उसको वो रिप्रजेंट करते हैं सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज़ पर कॉस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू ओके so let's start let's all प्योर and everything gets successful to तो चलो par guides गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो hain हैं zindagi जिंदगी में and of course क्या आने वाला है क्या आ सकता है within a short period of time and एंड आने वाले समय में उनके लिए कैसा रहेगा ओके सो लेट सी लेट्स फाइंड आउट सो यूनिवर्स पट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स क्या आता हुआ दिखाई देता है क्या आने वाला है क्या आ सकता है कौन आने वाले हैं कौन आ सकते हैं ओके सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जिस तरह से कुछ घटनाएं होने के बाद लोग जनरली क्या होते हैं ना घबरा तो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भूकंप हुआ अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो इट हैपन्स लाइक दैट कुछ एक्सीडेंट्स हुए कुछ डाउनफॉल हुआ कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ लोग जनरली क्या है ना डर जाते हैं भय हो जाता है उनके मन में बट कहीं ना कहीं पे एक नई शुरुआत हो ही जाता है कुछ भी चीज़ रुका हुआ नहीं रहता है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखो आप इस तरह से बैठे हो करेंट सिचुएशन में सम ऑफ यू आर फीलिंग लाइक यू नो आई हैव लॉस्ड समथिंग मैंने कुछ खो दिया है शायद मेरा ही मिस्टेक था शायद लोगों ने ऐसा किया होगा ब्लेम दिया होगा फॉल्स एक्जिशन हुआ होगा या आपका जो है लॉस हुआ होगा करेंटली हो सकता है कि कुछ रीजंस के वजह से आपने जॉब में क्विट कर दिया या आपके फ्रेंड्स के साथ अब ज्ञानमन हो गई वो आपको गलत समझ रहा है आप उनको गलत समझ रहे हैं सो समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो हो सकता है कि आप कुछ अपने पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं बट उल्टा वो आपके ऊपर ब्लेम दे रहे हैं जैसे आप ही का प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो यू आर अगेन गेटिंग अप यहाँ पे इस पोजिशन से इस पोजिशन को अगर आप केयरफुली देखें यहाँ पे आपकी पोजिशन पैसिव है और यहाँ पे आप फिर से देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है आपका रिफ्लेक्शन ये था और अभी अभी होने वाले समय में आने वाले समय में कैसा होगा यू विल बी राइडिंग ओके यू विल बी ड्राइविंग नाउ मतलब आप फिर से जागृत हो रहे हो आप फिर से उस रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे आपको चलना चाहिए यू विल अगेन टेक द इनिशियल स्टेप जो स्टेप लेना चाहिए जो कदम बढ़ाना चाहिए आप उस कदम को ऑब्वियसली लेंगे और सच्चाई के राह पे चलेंगे ऐसा नहीं कि लोग आपको कुछ भी कन्विंस कर सकते हैं लोग आपको डेफिनेटली कुछ लोग तो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे बट इस तरह से नहीं हो पाएगा नेवर बी अ विक्टिम इन द फ्यूचर उस तरह से मुझे दिख रहा है आपके स्ट्रेंथ आपका जो इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं पे इनर नॉलेज जो बोला जाता है विजडम जो बोला जाता है यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है देखो एक यहाँ पे घने बादल आ रहे हैं आपके रास्ते में जितना भी देखिए प्रॉब्लम्स या ऑबस्ट्रगल्स आप बोल सकते हो या कुछ ऐसा डिस्टरबेंसेस होता ही है ना डिस्टरबेंसेस आधा क्रिएट किए जाते हैं या वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होता है जो हमें दिखाई नहीं देता कुछ ऐसे जगह पे हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए माइग्रेशन हो जाए या आपको उस जगह पे जाना पड़े फॉर द सेक ऑफ जॉब और बिजनेस एंड हो सकता है कि वहाँ पे लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम रह सकता है बट इट विल नॉट स्टॉप यू वो आपको रुक नहीं सकते आपके एम्बिशंस के आगे वो शॉर्ट वो शॉर्ट पड़ जाएगा यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो गेटिंग लाइक एडमिशन इन टू द न्यू फाउंडेशन कोर्सेस कुछ न्यू कोर्सेस हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और आप उसमें दिलचस्पी लो मे बी आपका एज से कोई मतलब नहीं है बट यू विल टेक इंटरेस्ट इन इट ओके एंड ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए लाइक यू नो यू आर गोइंग टू देखो यहाँ पे देखो आपका स्ट्रेंग देखो आपका जो एक बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है कि मतलब कुछ भी आपके आगे आए ना तो आप उसको हटा ही देंगे इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन और हेड स्ट्रांग आप होते हुए दिखाई दे रहे हो इन द अपकमिंग फ्यूचर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि राइट नाउ आर लाइक इन अ स्लीपिंग पोजिशन अब सोते सोते इसको देख रहे होंगे आराम से एकदम कोई डिस्टर्बेंस नहीं उस तरह से आप देख रहे होंगे रात के समय पे हो सकता है कि जस्ट चेकिंग इट आउट या ऐसा दिन आप देख रहे हो जहाँ पे फुल मून डे है ठीक है या फुल मून से लेके जो नेक्स्ट टू टू थ्री डेज ऐसा हो सकता है कि आप देख रहे हो क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है या इट कैन बी लाइक स्टडी नाइट्स उस तरह से हो सकता है ओके सो आई कैन फील द यू नो अर्जेंसी कुछ अर्जेंट मैटर्स हो सकता है कि आपको आ, उस जगह पे जाने के लिए मजबूर करें मे भी आप जाना नहीं चाहेंगे बट हो सकता है या कोई ऐसे आपके पास या आपके घर में आ सकते यहाँ पे ईयर पॉड्स दिखाई दे रहा है जो ईयर होते हैं ना कान में लगाते हैं ऑब्वियसली उस तरह से न्यू कंपनी का हो सकता है कि आप खरीद रहे हो ये ऑलरेडी खरीद चुके हैं या आपको ज़रूरत पड़ सकता है आने वाले समय में यू नीड टू गो थ्रू लॉट ऑफ यू नो कन्वर्सेशन तो आपको हैंड्स फ्री रखना पड़े इसलिए हो सकता है कि आप एयरपोर्ट्स ले लो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है एयरपोर्ड्स है ही है एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो यहाँ पे कुछ हार्ड शेप आ रहा है यहाँ पे बोट uh, शेप आ रहा है सो आई डो थिंक सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई क्रूज या बोट या समथिंग, ओके यू विल गो एंड है काइंड ऑफ रोमांस ओवर देर उस तरह से भी हो सकता है आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो एक uh, ऐसा ब्लैक या वो हो सकता है वाइट या ग्रे कोट आपके आसपास है या आप उसको पहनने वाले हैं फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू और यूर फॉर नेक्स्ट मीटिंग और समथिंग नेक्स्ट सेशन उस तरह से हो सकता है यू आर गोइंग टू हैव अ प्राइवेट डिस्कशन ठीक है किसी के साथ आपका प्राइवेट डिस्कशन बन सकता है मतलब ऐसा है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ अकेले ही मिलने चाहेंगे मतलब कोई किसी और के साथ नहीं यू हैव टू गो एंड मीट दैट पर्सन मे बी एट वो सिचुएशन मतलब लोकेशन कहीं पे भी हो सकता है मे बी वो आपके केबिन पे आए या आप उनके केबिन में जाओ मिलने के लिए क्योंकि आपको उनको कुछ शो करना है मे बी सम काइंड ऑफ लाइक हो सकता है कि जैसे बोला जाता है ना कि पोर्टफोलियो लोग शो करते हैं लोग कहीं ना कहीं पे अपने सैम uh, uh, काम के जो सैंपल होते हैं वर्क के जो सैम्पल्स होते हैं वो शो करते हैं उस तरह से हो सकता है ओके okay. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में जो डिस्टरबेंसेस इतना दिन से था और आप उसको टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे एंड दैट इज गोइंग टू गेट सेटल डाउन उस तरह से और यहाँ पे देखो फिर से अभी एक बुल का शेप ले रहा है बुल ठीक है सो बुल मतलब क्या होता है इट्स अ मेल वर्जन ऑफ द काउ राइट सो यहाँ पे एक, एक मैंने आपको पहले ही बताया था आपके डिटर्मिनेशन आपका हेड स्ट्रांग नेचर आपका कहीं ना कहीं पे एग्रेशन बट इन अ पॉजिटिव लेवल वही आपको आगे लेके जाएगा आपका मतलब फास्ट नेचर ठीक है टू डू इट राइट नाउ कि फ्यूचर के लिए नहीं अभी से आप फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि इन द फ्यूचर ठीक है आपको कुछ ऐसा काम मतलब कुछ समय के अंदर ही उसको प्रेजेंटेशन को रेडी करके शो करना पड़ेगा और आप उसमें फर्स्ट ही होंगे क्योंकि यू आर गोइंग टू डू इट एट एनी कॉस्ट कैट भी दिखाई देता है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपकी इंट्यूशन आपका अवेयरनेस ठीक है आपका फोकस बढ़िया रहेगा ओके नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स थोड़ा क्यूब्स से हम देख लेते हैं यूनिवर्स फैट गाइड प्लीज गाइड करें कि मेरे जो हैं उनकी जिंदगी में कोर्स आने वाले समय में क्या है ओके सो मैंने आपको ये बताया है कि कुछ लोग जिनके नकाब कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हैं, वो आपको मिलेंगे जरूर आपको घर से बाहर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जाना पड़ सकता है बिजली कड़क सकती वहां पे हमने बादल देखा था और यहाँ पे अभी देखो ये एक नाइट ऑफ वेंट्स या नाइट ऑफ स्वर्ड्स वाला पोजीशन है जहां पे फटाफट काम करना पड़ सकता है आपको आई कैन ऑल्सो सी रेनबोवर ईयर विच मीन्स वर्ड बादल के बाद रेनबो मतलब गुड न्यूज अराइवल ऑफ़ गुड न्यूज इन योर लाइफ बहुत कुछ सोल्यूशंस आपको मिल सकते हैं प्रॉब्लम का जो आप सोच रहे थे कि कभी भी मेरा जो है गुड लक मेरा साथ नहीं दे रहा है ठीक है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस इट इज़ गोइंग टू बी विद यू आपके पैशनेट नेचर ठीक है वही आपके लिए एक लकी फैक्टर साबित होगा आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होगा बट अगेन देर इज़ द थिंग कि जैसे मैंने आपको बताया कि दोगले लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे सो यू हैव टू स्कैन देम यू हैव टू यूज़ योर इंट्यूशन एज ए स्कैनर आप अपने इंट्यूशन को एज अ स्कैनर यूज़ करेंगे उनको जज करने के लिए बिफोर यू जज एनी पर्सन डोंट टॉक उनके साथ बात भी मत करो मिलने के लिए तो मत ही जाओ बिफोर गोइंग यू हैव टू जज वेदर यू इट इज राइट और रॉन्ग ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट टू इज रीडिंग गाइज आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी लव यू लॉट टेक केयर ऑफ युअर एंड बाय